सर्वाइवल सीरीज। आज की वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं हमारा एक्सपी फार्म। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं हमारा एक्स फार्म, पर उससे पहले मैंने अगली वीडियो में बोला था मैं अपना इंटीरियर पूरा कर लूंगा ऑफलाइन, तो मैंने कर लिया है और ज्यादा कुछ डाला नहीं है, सिर्फ डेकोरेट कर दिया है। ये है मेरा ये वाला रूम, यहाँ से अब पूरा कारपेट बिछा दे ऐसे एकदम पूरा एकदम ऐसी वाली फीलिंग है। ये मेरा चेस्ट रूम है, इसमें सारी वुड वाली चीज है, इसमें सारा खाना वाना वो वेजिटेबल वाली चीज है, इसमें खाली है। इसमें सारी टूल्स जाएगी, इसमें सारे ब्लॉक्स एक में ही है, सारे जो ऐसे ब्लॉक्स ब्लॉक ब्लॉक चीजें होते हैं ना वो सारे इधर रहेगी। और मैंने एक वीडियो बनाई थी डायमंड माइनिंग की, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, तो मेरे को सिर्फ चार ही डायमंड मिले थे, ज्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं। मैंने चार डायमंड में तीन डायमंड का पिकेक्स बनाया, एक डायमंड इधर रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैंने वो वाली वीडियो अपलोड नहीं की, और आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक्सपी फार्म, ताकि हम लोग ये डायमंड की पिकेक्स और ये सब हम लोग एंजेंट कर पाए। मैंने तो ऊपर का दिखाया ही नहीं, नीचे का दिखा के ही छोड़ दिया भाई। रुको ऊपर का भी दिखाता हूँ, ये तो अगली वीडियो में था। यहाँ पर थोड़े से कारपेट लगा दिए, ये मेरा बेडरूम है इधर ऐसे, और ये हमारे बेलकनी है, बेलकनी इधर से कांच, इधर से भी कांच। तो गाइस हमारे यहाँ पर सुबह हो चुकी है, अब हम लोग को एक्सपी फार्म के लिए सामान जमा करना है। तो हम लोग किस चीज से बनाने वाले पता है, कॉन्क्रीट से बनाने वाले, अलग अलग कलर की कॉन्क्रीट और ग्लास से बनाने वाले। तो कॉन्क्रीट के लिए ग्रेवल और सैंड चाहिए होती है, जो कि हमारे पास है नहीं, हम लोग को कलेक्ट करके लानी पड़ती है, फिर हम लोग वो कर सकते हैं। सैंड है क्या, ग्रेवल भी होगा थोड़ा सा है, और है इतने से में नहीं होगा, कम से कम 25 स्टैक चाहिए हम लोग को कॉन्क्रीट का, और कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं जो जिस कलर का जो चाहिए, हम लोग को कलेक्ट करने जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, यहाँ पर मेरे पास पहले से 2 स्टैक ग्रेवल है, हम लोग को चाहिए ग्रेवल और सैंड मिला के दोनों मिला के 25 स्टैक होना चाहिए, 25 या 24 स्टैक होगा तो भी चलेगा। तो मेरे पास 2 स्टैक पहले से सैंड एक पड़ा है, एक सीट, तो हम लोग को लेने जाना है। मेरे पास 2 सवल है, सवल की और जरूरत पड़ेगी, 3-4 ले रखी है पर और जरूरत पड़ेगी, एक बार में मैं ला भी नहीं पाऊंगा सारा। ये ले लो जितनी है सारी सवल ले लो, टूट जाएगी ना ये सवल तो। चलो हम लोग निकलते हैं, सैंड और ग्रेवल चाहिए हम लोग को बहुत सारी, तो मैं वहां पर जाके मिलता हूँ, जहां पर भी ग्रेवल और वो सैंड वैंड मिलेगी ना वहां पर जाके मिलता हूँ। तो गाइस हम लोग को ये फूल भी चाहिए होंगे डाइक बनाने के लिए, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट बनाने वाले जो कॉन्क्रीट कलेक्ट करेंगे उसको कलर करने के लिए हम लोग को डाइक चाहिए, तो जितने भी फूल दिखेंगे ना मैं जाते जाते सारे कलेक्ट करते हुए जाऊंगा। तो गाइस मेरे को यहाँ पर ग्रेवल दिखिए, पर ये कैसी सी जगह है यार, ओ भाई सैंड सैंड विली सैंड, अरे अरे गिर क्यों रहा है भाई, सैंड पूरा उठा लेंगे इधर से।
ट्रिक है, ये जो पानी के एकदम नीचे ग्रेवल है ना, उसके लिए मेरे पास ट्रिक है। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैं ना इधर एक डोर बनाने वाला हूँ, इस काम के लिए पता चल जाएगा। छह बना लेते हैं। अब क्या करूँगा, ग्रेवल कहाँ पर है, यहाँ पर है ना ग्रेवल, यहाँ पर मैं एक डोर लगा दूंगा और इसके अंदर रह जाऊंगा। अब मेरे को सांस भी आ रही है और मैं स्पीड में माइंड भी कर सकता हूँ, देख रहे हो। प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया एक्सरसाइज के लिए। ये देखो, ये 12 स्टैक है और ये 12 स्टैक है। इन दोनों को अब मेरे को प्लस करके और कलर डाल के, मतलब जो कलर का मेरे को कंक्रीट बनाना है वो ऐड करके कंक्रीट पाउडर बनाना है। तो मेरे को जो कलर का बनाना है तो उस कलर का डाई चाहिए। ऐसे डाला, ये देखो फूल आ गए ना सारा। अभी ये तोड़ूंगा मैं, फिर वापस से ये करूंगा, ऐसे ये वाले प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगा। गाइस यहाँ पर सुबह हो चुकी है, अब बारी है हम लोग को कन्वर्ट करने की। सैंड और ग्रेवल को कन्वर्ट करना है अब हम लोग को कंक्रीट पाउडर में। तो यहाँ से हम लोग सैंड और ग्रेवल ले लेते हैं पहले। मैं तुमको ये दिखाना भूल ही गया, मेरे को अगली वीडियो में वो जो डायमंड वाली माइनिंग करने गया था ना, मेरे को ये सब चीजें भी मिली थी, मैंने आके यहाँ पर रख दी। जो जो ब्लॉक्स मिले थे वो ब्लॉक बना दिया, जितने बन सकते थे और जितने बन नहीं सकते थे उतने को इधर रख दिया। तो हम लोग को दो ब्लॉक में कितना बनेगा। अब ये जो ये ऐसा है ना, रुको, ये जो कंक्रीट पाउडर है ना, ये दिखने में कैसा दिखता है देखो, एकदम कैसा सा लग रहा है। अब जैसे ही मैं इसको पानी में रखूंगा ना, ये देखो डिफरेंस देखो। ओके, इतने में हो जाएगा हमारा गम। रख दिया। अब रात हो जाएगी तो सो जाऊंगा, घर तो सामने ही है, तो शुरू करते हैं। ओ खत्म हो गया गुरु, सारा उठा लो, वापस मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। इतना काफी है। नीचे जाते हैं, बकेट हाथ लगेंगे अगर। हाँ तो गाइस मैंने कैलकुलेशन की, हम लोग को 3 स्टैक ग्लासेस चाहिए। तो गाइस मैंने एक्सप्लोर के लिए जो जो सामान चाहिए था वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, मतलब कलेक्ट कर लिया है। और जो जो कंक्रीट का जो पाउडर पड़ा था ना, उसको भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही वो बना दिया है। तो ये देखो मैंने ये सब बना लिया है, ये देखो सारा कंक्रीट पाउडर नहीं है कोई, सारा कंक्रीट है। अब बात आती है कि हम लोग को एक्सप्लोर बनाना कहाँ पर है, वो तो मैं दिखाता हूँ। मैंने एक जगह डिसाइड कर रखी है, वहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर बनाएंगे। मैं घर के ऊपर से जाके बताऊंगा, एकदम घर के पीछे से ऊपर आएगा। या मैं अगर यहाँ पर बनाऊंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर वो पहाड़ के ऊपर वो पेड़ तोड़ के अगर बनाओ ना तो उधर मस्त लगेगा। तो हमको क्या करना है, पहले वो वाली जगह को हम लोग को क्लियर करनी है, एक से ट्री काट के फिर उधर से हम लोग को एक्सप्लोर बनाना शुरू करना है। यहाँ कोई है नहीं ना, ये जगह को मेरे को पहले प्लेन करनी पड़ेगी, फिर मैं इधर एक्सप्लोर बना पाऊंगा। तो गाइस मैंने ये वाली जो जगह है इसको प्लेन कर दी है, और अब ना एक्सप्लोर ना मैं सोच रहा हूँ ना ये इधर से बनाऊ, इधर से एकदम ऊपर से होते हुए जाएगी। तो गाइस यहाँ पर हमारी सुबह हो चुकी है, बेड को थोड़ा सा इस साइड हटा के रख देते हैं, रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं, थोड़ा सा इस साइड रख देते हैं। सुबह हो गई है, रिस्पॉन पॉइंट सेट, अब हम लोग को यहाँ पर शुरू करना है।
अब क्या करना है, मेरे दिमाग में जो आइडिया था वो देखो, ये अब चार है, नॉर्मल जैसा हमारा एक्सफॉर्म होता है ना वैसे ही बनाना है, पर ये जो लाइन जाएगी ये येलो से और बाकी का जो ये होगा ये रेड से होगा। मैं रेड से ही बना देता हूँ, ये सिर्फ एक ब्लॉक रखने के लिए, अब ये हटा के ये ओके बना दिए। चारों तरफ से ओके। दूसरे लोग क्या करते हैं, ये वाला खोल देते हैं, मतलब लगाने से ही। मेरे यहाँ पर ये ना ये खोलते ही बर्फ जम रहा है, तो मैं नहीं खोलने वाला इसको। तो अब हम लोग को इसके ऊपर वाला रूफ बनाना है। पानी जमा तो नहीं है ना, ऊपर से ढक दिया मतलब अब नहीं जमेगा ये। चलो अब क्या करना है, ये टॉर्च पहले हम लोग को ये सारे ट्रैपडोर्स खोलने हैं और ये टॉर्चेस हटानी है। पहले ट्रैपडोर्स खोलेंगे। ओपी मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग एवर, नहीं इससे भी सेटिस्फाइंग थिंग होती है पर ये भी है थोड़ी सी। अब ये बंद करो, कोई ट्रैपडोर खुला नहीं है ना। ओके सब डन, यहाँ से भगो बस। तो गाइस हम लोग को नीचे जाने के लिए मरना पड़ेगा और हमारा एक्सफॉर्म तो पूरा बन चुका है। मैं जैसे नीचे जाऊंगा एक्सफॉर्म में सारे आने शुरू हो जाएंगे। और बाजू में स्केलेटन था क्या? स्केलेटन क्या कर, जल 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 यार ये वापिस से, चल 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 बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, मर। अरे मार क्यों नहीं रहा मेरे को?
बाय, जाते हुए सब्सक्राइब करते हुए जाना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।